नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश सप्ताह न्यूज। देखते हैं यहाँ पर जो है अभी अभी एक दुर्घटना हुई है, जहाँ पर कांवड़िए जो है हरिद्वार से कांवड़ लेकर जा रहे थे, जहाँ पर बीच रास्ते में जो है एक ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी जाती है, जिसमें जो तीन महिलाओं को जो है गंभीर चोट लगी है। देखते यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो जिनके साथ चल रहे थे वो रुके हुए हैं और गंभीर रूप से घायल पाए जा रहे हैं। कैसे क्या हुआ ये? कैसे क्या हुआ? चलो इसके बाद अपने गांव से बात कर लो। कहाँ से आए थे आज आप? कहाँ जा रहे थे? जज्जर से आए थे? चोट ज्यादा लग रही है। ये देखते हैं कांवड़ यहाँ पर खंडित हो चुकी है और जो ट्रक है वो आगे रोका हुआ है और कहीं ना कहीं जो है कांवड़िया को जो चोट लगी है, फोन तो देखते हैं यहाँ पर जो है फोन भी पड़े हैं, लेकिन क्योंकि वायलेशन के चलते जो है इसको नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो है ये भीड़ भी इकट्ठा हुई है, गाँव नोरथा के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ है और रोड भी है। नोरथा गांव के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक में जो है कांवड़िए को जो है टक्कर मार दी गई है और देखते हैं तस्वीरें जो है वो पानीपत के नोरथा के नहीं ट्रक मार दिया। कांवड़िए तीन ना चुड़ला गया। तो देखते हैं यहाँ पर तीन जो कांवड़िए थे, महिला कांवड़िए थे, उनको जो है चोट लगी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें। भाई साहब कैसे क्या हुआ बताइए? जो भाई वो ट्रैक्टर वाला का ट्रैक्टर वाला अच्छा वो ट्रैक्टर वाला आके जो टक्कर मार गया वो लेडीज को हॉस्पिटल ले गया। वो ट्रैक्टर वाला भाग गया, ट्रैक्टर कौन लेगा? वो ट्रैक्टर नहीं, तो वो टेक्सटाइल का ट्रैक्टर है, वो नीचे मलबार वाला लेके चले हैं, वो साइड लग गया, एक आंटी का सिर फूट गया, उसको हॉस्पिटल में ले गए हैं, दो दिन कार्ड खराब हो गया, दो आंटी और बेचारी है। अच्छा जजर जाऊंगी वैसे भी तेज चल रहा था, तेज ही था वो, साइड बड़ा है ना, वो रोड का और क्रॉस करा था पूरा, रोड का और करा था पूरा, साइड में चल रही थी, दो कावड़ लगी पीछे पड़ गए, सिर फूट गया, दो उसे हॉस्पिटल भी ले गया एक ने। तो देखते हैं तस्वीरें जहां पर जो है अब कांवड़िए भी आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि जो कांवड़ है वो भी खंडित हो चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर, ये तस्वीरें पानीपत के नोरथा की है जहां पर तीन महिला जो कांवड़िए थे वो चल रहे थे, जो पीछे से आ रहे ट्रैक्टर के द्वारा जो होता है ट्रैक्टर के द्वारा बताया गया है कि इनको टक्कर मार दी जाती है और उसके कारण जो है जो कांवड़ है वो भी खंडित हो चुकी है और जो घायल है उन्हें निजी हॉस्पिटल में यहाँ से ले जाया गया है। फिलहाल जो है तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव नोरथा की देख रहे हैं जहां पर जो है तीन महिला कांवड़ियों को जो है एक ट्रैक्टर के द्वारा टक्कर मार दी जाती है और वहां से जो है ट्रैक्टर को शायद रोका गया है आगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोरथा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, जिसमें ये तस्वीरें थी सब तक न्यूज पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। पानीपत से गोहाना की तरफ ये जो कांवड़िए हैं वो झज्जर जा रहे थे जहां पर नोरथा के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दो तीन महिला जो है गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें पास के एक हॉस्पिटल में अभी ले जाया गया है। फिलहाल जो है तस्वीरें आप देश सप्ताह न्यूज पर लाइव देख रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, कांवड़ियों के साथ ये हादसा हुआ है और एक महिला है जो कि उनका रो रो कर बुरा हाल है और एक महिला उनके साथ और है। फिलहाल ये तस्वीरें वही जो तीन महिलाओं को जो है जी आपका क्या नाम है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? झज्जर से चमनपुरा से। अच्छा कितने कांवड़ लेके चल रहे थे? चार औरत था। तो कितने को चोट लगी है? एक एक लगी है, बाकी ठीक है।
तो ट्रैक्टर ने मारी मैं तो आग गई थी, मैंने तो नहीं पता। देखते हैं जहाँ पर जो है जो उनके साथी हैं वो ठीक हैं, लेकिन एक महिला को जो है चोट बताई जा रही है, उनको लगी है ट्रैक्टर के द्वारा जो है। ट्रैक्टर मार दिया जिसमें तीन महिलाएं बताई जा रही हैं, तीन महिलाएं जो है कावड़ लेकर जा रही थी, जो कि झज्जर जिले के गांव की बताई जा रही है, जहां से नोखा गांव के पास जब वो है पहुंचती है तो पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने जो है टक्कर मार दिया है, और टक्कर लगने से जो है एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। तो आपसे अपील है कि देश सत्र चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोच विचार के करो।